मौसम वैज्ञानिक हैं और दूसरा इनकी शादी को लेकर। पासवान की कहानी शुरू होती है 1969 में डिप्टी एसपी बनने से, मालगाड़ी की एक यात्रा से और एक ट्रेन में मिश्री सदा की बातचीत सुनने से, जो इनकी पूरी राजनीति शुरू होती है। डीएसपी से अलौली पहुंचना या ये विचार आना कि हम विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, विधायक में भी उस जगह से जहां से कोई नहीं जीता आज तक समाजवादी का, या कांग्रेस के अलावा वो सीट किसी के पास नहीं थी, मिश्री सदा ऐसे कैंडिडेट के सामने खड़ा हो जाना, ये डेस्टिनी घुमाती है। मेरा अपना मानना है, मतलब आश्चर्य की बात है कि जूनियर से जूनियर पॉलिटिकल लोगों के बाहर, मतलब लालू वालू तो इनसे जूनियर हैं, नीतीश भी जूनियर हैं, आपने लिखा भी है, हाँ, उन लोग पे दसों किताबें आ गई हैं, उनके राम जीवनी पे दसों किताबें आ गई थी, लेकिन रामविलास पासवान पे एक किताब भी नहीं आई थी। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। फिर से एक किताब मेरे हाथ में है, रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष। इसको लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव ने, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब भी पत्रकारिता करते हैं, सक्रिय हैं पत्रकारिता में, लेकिन उन्होंने रामविलास पासवान पे अपनी तरह की एक पहली किताब लिखी है जिसको प्रकाशित किया है पेंगुइन ने। तो ये तो रही किताब की बात, लेकिन इस किताब के बहाने हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो 1969 से लेकर के और 2020 तक सक्रिय राजनीति में रहे। उनके बहुत सारे आयाम हैं, उनके बहुत सारे किस्से कहानियां हैं और उनकी बहुत सारी बातें हैं जिनको इस किताब में प्रदीप श्रीवास्तव ने समेटा है। तो हम प्रदीप श्रीवास्तव से बात करेंगे और बात करेंगे, शुरुआत वहां से करेंगे जहां से रामविलास पासवान को हम जैसे मीडिया वाले अपनी नज़रों से देखते हैं और उन्हें भारत की राजनीति का मौसम विज्ञानी कहते हैं। सर, स्वागत है आपका और शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत सर मौसम वैज्ञानिक, मीडिया में एक फ्रेज गढ़ा गया रामविलास पासवान के लिए, लेकिन मैं किताब पढ़ते पढ़ते जब आखिर में पहुंचा हूं तो आपने इससे थोड़ी सी नाखुशी जाहिर की है। हाँ, निश्चित तौर पे है। ये फ्रेज देखिए पॉलिटिकल फ्रेज था जो लालू जी ने दिया था। जो राइवल होते हैं, जो अपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे व्यंग के लिए कुछ ना कुछ फ्रेज गढ़ते हैं, तो लालू जी ने इसको फ्रेज में कहा था। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मीडिया बिना तथ्यों को जाने इस फ्रेज को लेके उड़ गई और उनको आप, मैंने बाद में जब ये किताब लिखने लगे तो मैंने जब भी इनके रेफरेंसेज और बाकी ढूंढना शुरू किया कि क्या क्या और इनके बारे में लिखा है, तो मुझे केवल एक दो ही चीज़ इनके बारे में मिली। इनके पर कोई किताब आज तक नहीं लिखी गई थी और कोई भी, मतलब आश्चर्य की बात है कि जूनियर से जूनियर पॉलिटिकल लोगों के बाहर, मतलब लालू वालू तो इनसे जूनियर हैं, नीतीश भी जूनियर हैं, नीतीश भी जूनियर हैं, आपने लिखा भी है, हाँ, उन लोग पे दसों किताबें आ गई हैं, उनके राम जीवनी पे दसों किताबें आ गई थी, लेकिन रामविलास पासवान पे एक किताब भी नहीं आई थी। और जब मैं उसके बाद अगर कुछ रेफरेंस मिलता था तो दो रेफरेंस मिलता था, एक तो मौसम वैज्ञानिक है और दूसरा इनकी शादी को लेकर खूब विवाद, हाँ, खूब जबरदस्ती बार बार उसको घसीटा जाता था। तो मैंने इसीलिए लिखा कि भाई आप पहले तथ्यों को जान लें। मौसम वैज्ञानिक इसलिए बोला जाता है कि जब देखते हैं सत्ता तो उधर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है क्या, ये आपने तथ्य देखा है क्या? क्योंकि आप देखिए 89 में पहली बार मंत्री बने थे, ये जनता दल में थे, जनता दल की सरकार आई थी तो मंत्री बनना था इनको। उसके बाद 96 में दूसरी बार मंत्री बने, संयुक्त मोर्चे की सरकार थी उसमें जनता दल शामिल था और मेजर पार्टी था उस कोटे में, वो भी बने, शरद जी का चल रहा था हवाला वाला मुद्दा चल रहा था, उसके वजह से नहीं बन पाए थे। और फिर उसके बाद ये 96 के बाद 99 में बने, 99 में जनता दल संयुक्त जनता दल में थे ये, उसके पहले पार्टी दो भाग हो गई थी, जनता दल सेकुलर, जनता दल संयुक्त। जनता दल सेकुलर में मैक्सिमम दक्षिण वाली पार्ट, दक्षिण के नेता थे, क्योंकि तो इसलिए ये जनता दल संयुक्त में रहा है ये। संयुक्त ने NDA ज्वाइन किया जिसमें सब लोग थे, शरद जी थे, ये थे, नीतीश कुमार, जार्ज थे, नीतीश थे, सब थे, समता पार्टी का दोनों विलय हो गया था, तो उस कोटे में इनको सीनियर मोस्ट इनको बनना ही था। अब 2004 में मंत्री बने, 2004 में आप सब लोगों को याद होगा कि सोनिया गांधी, ये 2002 में NDA छोड़ दिए थे,
एनडीए गोधरा कांड को लेकर छोड़ चुके थे, फिर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे 2004 का। 2004 में जब सरकार बनाने की बारी आई तो सोनिया गांधी ने इन दलों को इकट्ठा करना शुरू किया। उस सिलसिले में दो जगह अपने से चल के गई, एक तो शरद पवार के यहाँ और एक दूसरे रामविलास पासवान के यहाँ। तो 2004 में मंत्री बने। 2004 में मंत्री बनने वाला किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है जो मैंने पढ़ा है। आपने इसी किताब में जिक्र किया है कि 2004 में वो जीत गए थे, गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जब लालू यादव ने रेल मंत्रालय खुद अपने पास मांग लिया, ले लिया, तो फिर पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी आपको बाहर से समर्थन देती रहेगी, हमको मंत्रालय की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं, इस तरह प्लेन में नहीं हुआ था। जब मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी, मनमोहन सिंह भी आए थे और इनको रेल मंत्रालय बोल दिया गया था। ठीक है ना, तो एक ब्लैंक लिस्ट दे दी। हाँ, एक ब्लैंक लिस्ट बन रही है। हाँ, लिखा रेल मंत्रालय इनको दे दिया गया था। उसके बाद लालू जी रेल मंत्रालय पे जीत पकड़ ली, और मुझे बाद में पता चला कि उनके घर वालों की जीत थी, ये घर वालों के प्रेशर था कि आप रेलवे मंत्रालय लिए। घर वालों का मतलब उस समय तो तेजस्वी मीसा जी और इन लोग थे। इन लोग थे मेरी मीसा जी से बाद में बात भी हुई। रामकृपाल यादव वगैरह उस समय जो उनके साथ, रामकृपाल यादव तो का नहीं, लेकिन इन लोगों का ज़्यादा जोर था, घर वालों का ज़्यादा जोर था कि रेल मंत्रालय में ये है वो है, तो एक क्रेज था। तो लालू जी रेल मंत्रालय मांग लिए। अब चूंकि इनकी बड़ी पार्टी थी, इनका ज़्यादा सेट था, इसलिए कांग्रेस मुसीबत में पड़ गई। अहमद पटेल ने फिर पासवान जी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा आप बाकी कोई मंत्रालय ले लीजिए। लेकिन अब ये अखबारों में भी आ गया था रेल मंत्रालय मिल रहा है पासवान को, और पासवान जी रेल मंत्रालय में काम कर चुके थे, इनका भी रेल मंत्रालय से मोड़ था, कई अधूरे काम थे जो इनको करने थे, तो ये थोड़ा परेशान हुए। फिर दोबारा मीटिंग हुई और ये फिर जो है इनसे दो मंत्रालय रख दिया गया, मंत्रालय की लिस्ट दे दिया मनमोहन सिंह ने कि ये खाली, आप जो दो मंत्रालय चाहे ले लें। फिर सेटलमेंट हुआ। हालांकि वो जा नहीं रहे थे, वो वीपी सिंह ने उनको मनाया, वीपी उस गाड़ी में आगे बैठे, वीपी सिंह पीछे बिठाया गया। अहमद पटेल को लगा कि एक ही आदमी मना सकता है, वो वीपी सिंह, और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका था, गेट बंद होने वाला था। लास्ट मोमेंट पे वीपी सिंह इनको आए इनके घर पे, इनको समझाएं, उसके बाद ये जाके मैंने डिटेल में दिया। बिल्कुल, ये तो हम लोग बातचीत में इसका जिक्र कर रहे हैं। बाकी विस्तार से अगर जिसको भी दिलचस्पी हो वो 2004 वाले इंसिडेंट की, तो इसमें बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग घटना है। वो पासवान की कहानी शुरू होती है 1969 में डिप्टी एसपी बनने से, मालगाड़ी की एक यात्रा से, और एक ट्रेन में मिश्री सदा की बातचीत सुनने से, जो इनकी पूरी राजनीति शुरू होती है। क्या थी वो घटना? देखिए, मैंने किताब पढ़ी है तो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या थी घटना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं तो लोगों को पता चले। देखिए, तीनों घटना अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। ट्रेन में जब भी बैठे थे तो बहुत छोटे थे, पहली मालगाड़ी वाली यात्रा तो बहुत छोटे, मालगाड़ी यात्रा जो किए थे अपने जीजा जी के साथ, वो तो बहुत छोटे, वो पहली यात्रा थी उनकी किसी भी ट्रेन में, इत्तेफाक से मालगाड़ी में थे, और मैंने लिखा था उनको नहीं मालूम था एक दिन रेलवे मंत्रालय उनके हाथ में रहेगा। मिश्री सदा वाली घटना ये है कि ये जब कंपटीशन में आ गए, इमरजेंसी पोस्ट निकली थी डीएसपी की, तो डीएसपी और में इनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि इसके पहले दरोगा का इम्तहान दिए तो फेल हो गए थे फिजिकल में, लेकिन इसमें डीएसपी में इनका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में भी हो गया, तो सच तो ये अपना उस जमाने में सहरबन्नी में जिस गांव के लड़के पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी का नौकरी नहीं करता था, उस घर में किसी का उस समय पुलिस में आ जाना, वो भी डीएसपी के पद पे, पूरे रिश्तेदारी पूरे गांव में हर जगह शोर था, ये घूमते रहे। लेकिन कुछ छात्र जीवन में इनको नेतागिरी का शौक लग गया था, और फिर उस समय आप याद कीजिए 69 में माहौल जो है दूसरा था, समाजवादी आंदोलन अपने चरम पे था, चरम पीक पे था, सरकारें बदल गया, पिछड़े पाए में संसोपा और बरगद ये सब जो है घर घर घूम रहे थे, और एक पूरी पीढ़ी आ रही थी, नई पीढ़ी आ रही थी जो गैर कांग्रेस वाद में एक
टकराव अगर किसी ने लिया था उस समय तो सब इन्होंने लिया था, समाजवादियों ने लिया था। उसमें सब लोग ही थे मुझे लगता है कि लोहिया से लेकर राजनारायण और मधुली भी, हाँ हाँ उन लोग तो अभी उठ रहे थे। तो बिहार में भी एक से एक नेता थे, कर्पूरी ठाकुर एक से एक बड़े नेता थे, रामजी मोहन भाव, कर्पूरी ठाकुर और भी यादव जी। तो उसमें इन्होंने, इनको लोगों ने, ये अपने बुआ के घर गए थे तो इनको कुछ लोगों ने चढ़ाया कि आप इलेक्शन लड़ जाओ, उसके लिए आप सही हो, ये है वो है फलाना है, क्षेत्र भी बता दिया, लौली से लड़ जाओ। तो वो एक तरह से इनके दिमाग में डाल दिया और ये ऊआ पोह में फंस गए। एक तो सरकारी नौकरी, फिर इनके फादर एकदम नहीं चाहते थे कि ये कहीं पॉलिटिकल जाएं या इधर उधर जाएं, सरकारी नौकरी थी, बहुत खुश थे क्योंकि मुश्किलों में पढ़ाया था, मुश्किलों में पढ़ाया था, उस समय डीएसपी का एक रुतबा था और अभी है, हाँ अभी भी, तो अभी भी है, और वो उनका शौक था उनका बेटा डीएसपी हो, पॉलिटिक्स में कहाँ मार खाया, ऊपर उठे नीचे गिरे कोई पता नहीं है। तो इनके फादर का एकदम था नहीं आपको। इस बीच ये जो किसी ट्रेन में वो चढ़े थे अपने कुछ साथियों के साथ, तो मिस्त्री सदा अलौली से कांग्रेस के विधायक हुआ था, कांग्रेस के विधायक नहीं, पहले इलेक्शन से लगातार जीतते चले आ रहे थे, उनको हराना, उनके खिलाफ समाजवादियों ने कोई अभी उम्मीदवारी नहीं दिया, आज तक कैंडिडेट नहीं दिया था, वामपंथियों ने एक बार दिया था सीपीआई ने, लेकिन वो भी हार गए थे। तो वो ट्रेन में जब चढ़े तो मिस्त्री सदा उसमें थे, इन लोग फर्स्ट क्लास में चलते थे बिना टिकट, जैसे उस समय आज भी बिहार में, आज भी बिहार में वो है। तो उसमें मिस्त्री सदा थे, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कोई सुने हैं कि कोई पासवान नाम का लड़का जो है वो खड़ा हो रहा है और वो आपको चैलेंज देगा। हंसते हुए कहा मिस्त्री सदा ने, हंसते हुए कहा चलिए अब पहले बार इतने वोट से जीते थे, अब 30-40 हज़ार से और ज़्यादा जीतेंगे। ये बात इनको चुभ गई, मतलब एक तरह से आग में घी का काम किया उसने, पहुँच गया सीधा संसोपा ऑफिस, और ये संसोपा ऑफिस पहुँच गए सीधे पैंट शर्ट पहन के, जैकेट पहन के, और रामजीवन बाबू उस समय मुंगेर के जिला अध्यक्ष थे, उनसे टिकट मांगा कि मैं लड़ना चाहता हूँ। चवनिया मेंबर भी नहीं थे ये संसोपा के, कोई जानता नहीं था इनको, चवनिया मेंबर वो था कि उस समय जब 25 पैसे देकर के मेंबरशिप ली जाती थी संसोपा की। हाँ, तो उस समय इनको रामजीवन बाबू ने देखा और उनको उनको हंसी भी आई कि भाई ये, लेकिन उनको मालूम था कि टिकट मांग रहे हैं, अगर इसका नाम भेजेंगे तो मिल ही जाएगा क्योंकि कोई कैंडिडेट वहाँ से लड़ता नहीं है अलौली से। इस तरह अचानक जैसे होता है डेस्टिनी आदमी की फिक्स होती है तो डेस्टिनी घुमाती है, डीएसपी से अलौली पहुंचना या ये विचार आना कि हम विधायक के इलेक्शन लड़ेंगे, विधायक में भी उस जगह से जहां से कोई नहीं जीता आज तक समाजवादी का या कांग्रेस के अलावा, वो सीट किसी के पास नहीं थी, मिस्त्री सदा ऐसे कैंडिडेट के सामने खड़ा हो जाना, ये डेस्टिनी घुमाती है, मेरा अपना मानना है। तो इन्होंने चैलेंज लिया और वो इनको टिकट भी मिल गया, लौली से खड़े हो गए, कुछ ही वोट से जीते लेकिन इन्होंने मिस्त्री सदा को हरा दिया, और हरा दिया तो पूरे बिहार में रामविलास पासवान का संसोपा में सबने नाम जान लिया और कांग्रेस में भी जान लिया कि मिस्त्री सदा जैसे कैंडिडेट को, धाकर और मजबूत स्तंभ को, ये कौन लड़का है जिसने हिलाया। इसके बाद इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, 72 का चुनाव हार जाते हैं और फिर 77 में आपातकाल के बाद इनका टिकट काट दिया जाता है लोकसभा का, और फिर जेपी अपना आशीर्वाद देते हैं, पोस्टर लगाते हैं। इस बारे में आपसे, आपकी पासवान से बात हुई थी क्या, रामविलास पासवान जी से? हाँ, अब तो वो नहीं है हमारे बीच। ये क्या क्या बताया था उन्होंने, आपने किताब में लिखा है? हाँ, ये किस्सा पासवानी जी ने बनाया था, मुझे भी उस समय तक नहीं पता था जब तक उन्होंने बताया नहीं था कि पहले दौर में इनका टिकट कट गया था और जेपी ने कहा था ये मेरे उम्मीदवार हैं। ये मुझे भी नहीं पता था कि हाजीपुर से ये मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने जो किस्सा बताया, जो मैंने दिया भी है किताब में, उसमें ये था कि जब लोग जेल में बनते तो सब एक वो डमी लिस्ट बनती थी कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन से तो आपस में सरकार बनाने लगे थे। हाँ, सरकार बनाने लगे थे लोग, जहाँ चुनाव लड़ाई हुआ तो डमी सीटें बाहर आए, इनका नाम बल्कि साशाराम से था तब जब जीवन बाबू साथ में नहीं आए थे। हाँ, जनता पार्टी तो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस छोड़कर के, इमरजेंसी के बाद आए थे, प्रधानमंत्री नहीं, सीएफडी पार्टी बनाए थे, आपको याद होगा, सीएफडी बना के फिर इनके साथ जनता पार्टी के साथ मर्जर किए थे। तो इसलिए उस समय जगजीवन राम के खिलाफ लड़ना था तो पासवान का नाम वो सोचू ना, लेकिन जब पता चला जगजीवन राम खुद इधर से लड़ रहे हैं, जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, तो इनके सीट का वो हुआ तो हाजीपुर
का सजेशन शायद जेपी की तरफ से आया था कि तुम हाजीपुर से लड़ो। हाँ, तो इन्होंने मान गए, ये पहले लड़ना नहीं चाहते थे, हाजीपुर में इनको कोई नहीं जानता था, उधर के थे भी नहीं, विधायक रहे भी थे, विधायक थे, अलौली से थे, मुंगेर में था वो, हाजीपुर में उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन रिजर्व सीट थी हाजीपुर। लेकिन उसके बाद जब नामांकन की बारी आई तो पता चला जो लिस्ट आई जनता पार्टी की, उसमें इनका दो तीन लोग ऐसे थे जिनका नाम जो है सब कुछ तय होने के बाद कट गया था। जब जेपी ने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तुमने फॉर्म भर दिया, नामांकन भर दिया, तो उन्होंने कहा मेरे तो नाम ही नहीं है मेरा। फिर जेपी ने फोन कर नारायण सत्यनारायण नारायण सिन्हा उस समय जो है जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर नारायण तक बात पहुंची। फिर जब जेपी ने दिखाई है तो उन्होंने कहा कि अपने सस्ता बाबू उनके पीए थे, उनको बुलाया, कहा कि मैं जो लिखता बोल रहा हूँ लिख के, उन्होंने लिखवाया कि मैं नहीं जानता हाजीपुर से जनता पार्टी के कौन कैंडिडेट है, मेरे उम्मीदवार रामविलास पासवान है। पूरे शहर में पोस्टर, और 10,000 का 10,000 पोस्टर छपा, पैसा दिया जेपी ने, और वो हाजीपुर के दीवारों पे, कम्बों पे चस्पा हो गया पोस्टर, और तहलका मच गया। उसके बाद जो है हलचल मची। उस समय वहाँ से टिकट दिया गया था रामसुंदर दास को, जो बाद में जो बाद में उनके खिलाफ लड़े चुनाव, और बाद में हराए भी, हारे वो। तो रामसुंदर दास को टिकट मिल गया था। फिर सब चीज़ें बदली और फिर टिकट इनके नाम से हुआ। तो उस समय चुनाव आयोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इसलिए जो सिंबल था हलधर वो भी इनको मिल गया, मिल गया था। फिर बाद में इनके साथ दो लोग और थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनके साथ दो लोग और थे जिनको कि दोबारा फिर टिकट दिया गया। मतलब हाँ, क्योंकि आज तो सिंबल एक बार गया तो फिर गया। हाँ, नहीं कोई सवाल ही नहीं, लेकिन उस समय इस तरह की स्थितियाँ नहीं, एनसी थी। 77 से आगे बढ़ते हैं, 84 पहुंचते हैं, चुनाव हार जाते हैं, बच्चे उस समय तक हो गए रहते हैं, चिराग पासवान 1.5 साल के रहे होते हैं, दिल्ली में एडमिशन हो गया होता है, और पैसे के नाम पे जीरो इनके पास। देखिए वो जो 84 से मतलब कैसे, एक मैं इसलिए आपको से पूछ रहा हूँ इस बात को, और इस बात को दर्शकों को भी मुझे लगता है समझना चाहिए। एक बार आदमी एक विधायक बन जाता है तो इतना समझ में आता है कि यार उसकी 5 पीढ़ियाँ तो बैठ के खाएंगे टाइप का मामला इस समय के हम जैसे आम लोगों के मन में है, या गांव के लोगों के मन में है। वो एक बार विधायक बन चुके हैं, एक बार सांसद बन चुके हैं, दो बार मतलब 77 से 84 वाली बात कर। हाँ, 80 में भी बन गए। दो बार सांसद बन चुके हैं, और फिर भी उनके पास दिल्ली में सिर्फ रहने के लिए 600 रुपये होते हैं, घर का किराया तक देने के पैसे नहीं होते, किसी नेता से मिलने जाना है तो नहीं होते हैं। सच पूछिए तो वो जमाना दूसरा था, और वो भी संसोपा जैसी पार्टी या समाजवादी नेता, आज भी मानता अब वो समाजवादी नेता नहीं रह गए हैं, वो समाजवाद रह गए सिर्फ। हाँ, पार्टियों में नाम है। अब तो समाजवादी नेताओं के पास, हाँ, बहुत पहले कल्पना शाह ने एक बार कहा था कि एक बार जब पैंट उतार देता समाजवादी तो किसी पूंजीपति से बड़ा हो जाता है। तो अब तो आप किसी को भी देख लीजिए, नाम नहीं लेंगे। हाँ, यूपी से बिहार किसी का समाजवादी, जो पुराने समाजवादी नेता हैं, लेकिन उस समय समाजवादी नेताओं का अपना एक वसूल था, सिद्धांत था, संघर्ष करने का एक मादा था और एक जुनून था। तो वो 77 में भी एमपी रहे, 80 में भी एमपी रहे, और लेकिन 84 से 89 का दौर उनका, जैसा आप पढ़े हैं, हाँ, आप पढ़े हैं, बिल्कुल एक चीज इंटरेस्टिंग कि वो दौर उन्होंने नहीं बताया मुझे। वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा है कि ऑटो के पास जाने के लिए ऑटो से पैसा मांगना पड़ा, पत्नी से पैसा नहीं था, वो भी एक तरफ के जाने का पैसा था, दूसरी तरफ लौटने के लिए फिर था ही नहीं। बीजू पटनायक ने उनको फिर पैसा दिया था 5,000 रुपये। हाँ, तो और ये क्या नाम है, बच्चों को खिलौना खिलाने के लिए नहीं था, पारस जी उस समय MLA बन गए थे तो वो बच्चों के लिए खिलौना वलौना देते थे, और घर का काम, बाजार वजार, पत्नी, ये बात मुझे, ये सारा उस समय का जो दर्दनाक किस्सा था, या किस तरह वो विट्ठल भाई पटेल हाउस में जो है रहते थे, डेढ़ कमरे के मकान में कैसे रहते थे, और कैसे फिर वहाँ गए MP क्वार्टर में, एक कमरा में एक कमरा बंद रहता था, उस दर्दा सांसद थे उस समय, दर्दा, उन्होंने कैसे दिया एक कमरा किराए पर दिया उनको, एक कमरा बंद करके बाकी दे गया उनको। तो सब मिला के वो सारे किस्से मुझे
भाभी जी ने बताया, रामविलास पासवान की वाइफ ने बताया, रीना पासवान। हाँ, पासवान जी जल्दी अपनी गरीबी अमीरी के बारे में नहीं बताए थे मुझे, इतने सिटिंग होने के बाद भी सब नहीं बताते थे। ये उन्होंने बताया जब मैंने उनको कुरेद के पूछा, क्योंकि मुझे भी लगता था जैसे सहारबन्नी में भी कैसे उनकी तकलीफ वाली जीवन थी, वो ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते थे। जैसे कई लोगों का होता ना साहब, मैं तो एकदम जमीन से ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये सब जो है वो उतना एम्फसाइज नहीं करते थे कि मैं बहुत ही गरीबी से, बहुत दुर्दशा से, और मैं ऐसे ऐसे मैं आया हूँ। मतलब उनके ये, लिए तो सारे समीकरण काम कर रहे थे, बिहार के हैं, दलित हैं, एक ऐसे गांव के हैं जो चार नदियों से घिरा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन उनका शायद उनका स्वाभिमान था या जो भी कह लीजिए आप, वो अपना रोना जो है या अपना दुर्दिन जो है वो बताने से हमको उतना नहीं बताते थे, उतना सबको। ये मुझे पारस जी से, उनकी वाइफ से, या फिर कभी कभी उनसे पुरानी बातें हुई, गपशप हुआ, गपशप के दौरान बीच से निकाल लिया मैंने। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बताना शुरू करे सिलसिलेवार कि हम ऐसे थे वैसे थे। अब पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं तो उसमें बता दिया चार नदी पार करते थे, फिर आँख कैसे ख़राब हुई थी, ये सब बताया। तो सो उससे आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं कि हुआ ऐसे दिन था और गाँव कैसा था। फिर गाँव के बारे में फिर पारस जी ने भी मुझे बताया और लोगों ने मुझे बताया कि क्या था, मैंने देखा भी वहाँ पे। तो सब मिला के वो उनके बहुत ख़राब दिन थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो हाजीपुर की जनता के साथ लगे रहे। मैंने एक घटना थी जो बाढ़ आई थी, आपने जिक्र किया, हारने के चुनाव हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद कैसे वो एक कपड़े दो कपड़े में दसों दिन बाढ़ में लोगों को नाव खे के मदद करते रहे। तैरना जानते थे, ये बड़ा अच्छी तैराक थे, अच्छा, और क्योंकि नदियों के घिरे गांव में रहते थे तो तैराक अच्छे थे, तो एक आध बार जान भी बची इनकी, उसके ना डूब गई, बोला भी है कि आज तो बच गया। हाँ, वही जो गिर गए थे वो नदी में। इससे लेकिन मुझे दूसरी घटना एक याद आती है, जो आप कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद भी कोई नेता अपने क्षेत्र में इतना सक्रिय हो सकता है। पासवान सक्रिय रहे हाजीपुर, और जब इनकी मुलाकात एक बार बिहार के तो उस समय के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री से होती है, और ये कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में, और फिर भोला पासवान शास्त्री वो ज्ञान देते हैं जो मुझे लगता है कि सारे नेताओं के पास होना चाहिए था, इनके पास नहीं था। कि वो, आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं तो बता ही सकता हूं। वो मेरे मित्र ने ये जो और कैसे ये पता चला, ये पब्लिश होने के पहले किसी, मैं नाम नहीं लूँगा, ने ये पढ़ा एडिटिंग के दौरान या इस तरह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये तो बड़ा निगेटिव में जाएगा नेताओं के बारे में या उस तरह नेताओं के बारे में। मैंने कहा ये सब होता है, ये सब बात करते हैं लोग, बताते हैं, इससे दुगना दुगना बात बताते हैं नेता उनके साथ जब आप बैठिए तो। मतलब ऐसा नहीं है पासवान जी, मैं तो कई नेताओं के साथ, आपके पत्रकार आप भी हैं, आप बैठते हो तो कई बार अंतरंग बातें में सब चीज़ें सब किससे ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है, कई बार ऑन रिकॉर्ड भी मजाक घटना होती है, पर राजनीति के दांव पेच भी लोग बताते हैं, जो कि वो बहुत बड़ी सीख। मतलब मेरे तो भोला पासवान ने बड़ा अच्छा किस्सा, मुझे भी किस्सा अच्छा लगा था, ये भी किस्सा उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा कि देखो तुम हर बार बार जाते हो अपने क्षेत्र में, तुम समाजवादियों की बहुत गलत आदत है कि तुम लोग हमेशा क्षेत्र से सटे रहते हो, हमेशा बार बार जाते हो, सरकार तुम्हारी बनती नहीं। अच्छा, और तुम वहाँ जाते हो तो कई लोग काम लेके आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तुम वादा करते हो, सरकार तुम्हारी होती नहीं है, तुम वादा पूरा नहीं कर पाते हो, तो फिर उनकी शिकायत होती है कि वादा किए थे और पूरा नहीं किए, और केवल वादा ही करते हैं, कभी काम तो करते नहीं हैं, हम ये कहे थे नहीं किए, वो कहे थे ये नहीं किए, 50 शिकायत होती है, वो सारी शिकायतें और समस्याएँ जो फिर चुनाव में भुगते हो तुम लोग। मुझे लोग, मैं साल डेढ़ साल में एक बार जाता हूँ, कोई वादा नहीं करता हूँ, और फिर उन्होंने अपने एकाध किस्सा बताया कि कैसे वो चुनाव जीतने के बाद हर गांव में चले गए, हाँ पहली बार आप ही क्या हैं टाइप का, कि चुनाव जीतने के बाद जब लोग शिकायत करते हैं कि आज आपका चेहरा चुनाव प्रचार में चेहरा जब देखते हैं लोग तो कहते हैं आज आपका चेहरा देखे जरा चुनाव आया तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ़ी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं पहली दफ़ा आप ही के क्षेत्र में आऊँगा, आप ही के इलाके में आऊँगा, और उससे लोग खुश हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा जाता हूँ, इतना काफ़ी होता है। तो ये उन्होंने हंसते हुए सिखाया था पासवान जी को,
लेकिन समाजवादी ये सब सीखते नहीं थे, सीखते नहीं थे मुझे लगता है। कांग्रेसी, कांग्रेस का वो एक कल्चर था, कांग्रेस का आज भी वही कल्चर, इसलिए कांग्रेस विपक्ष में ज़्यादा नहीं कर पाती थी। आप भले थोड़ा सुख कर पाती क्या ही कर ले रही है, हाँ, क्योंकि वो सत्ता में शुरू से रही तो उसका एक पॉलिटिकल कल्चर सत्ता वाला हो गया, राजशाही वाला हो गया, इसलिए वो 77 में हारी थी विपक्ष की तरह नहीं रही, इवन 96 में भी विपक्ष की तरह नहीं रही। हाँ। उनको हमेशा था कि एक आध साल का है, फिर सत्ता तो खैर समर्थन ही दे दिया, फिर हाँ एक आध साल का है मामला, फिर सत्ता हमारे पास आएगी। वो तो बहुत बाद में कोलिशन 2004 में के पहले जो वो शिमला सम्मेलन हुआ था इनका सिविल, उसमें इन्होंने गठबंधन की बात स्वीकार की, नहीं तो मानते थे कि गठबंधन हम ही राज करेंगे और दूसरी पार्टियों को जरूरत नहीं, आएंगे बीच में एक आध साल के लिए आएंगे और फिर हमको आना है। और अब तो हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे ये पूरी बातचीत कर रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता आके कहता है कि हमें सबको एक साथ आना होगा। हाँ, पिछले दिनों हाँ, इसी जगह इसी प्रेस क्लब में बैठे, इसी प्रेस क्लब में था। नहीं, इसके अलावा 2004 में सोनिया गांधी हर जगह गई, शिमला शिविर में जो है चिंतन शिविर में, ये इन्हीं की वजह से ये पारित हुआ। गठबंधन की जरूरत पहले नहीं, तो शिवशंकर उनका थे उस समय, इन लोग गठबंधन के लिए तैयार नहीं होते थे। सबको ये लगता था कि हम कांग्रेस का वोट बैंक जो है इरोड करेगा, कांग्रेस का बेस इरोड करेगा, हम अगर समाजवादी से करते हैं, इनसे करते हैं तो हमारे वोट खाएं। बाद में क्यों बातें सही भी निकली, जैसे बिहार में और वहाँ पर एक गाय भी हो गया, 2005 में गाय भी हो गए, उसका रीज़न भी ये था कि तो अलायंस की राजनीति जो है वो कांग्रेस की नहीं थी। सपा जो है वो शुरू से 69 से 5 स्टेट में गवर्नमेंट बनाई थी, संविध सरकारें बनाई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद तो कैसे इंदिरा गांधी आती है, संविध सरकारों कैसे बर्खास्तगी वाला पूरा। इस किताब में एक चीज़ आप और बहुत बड़ी मैंने प्रस्तावना में लिखा है, देखिए जीवनी एक अलग चीज़ होती है, आप किसी की जीवनी लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं उससे जुड़ी घटनाएं लिख रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। मैंने किताब इस ढंग से लिखी कि जो भी पॉलिटिकल स्टूडेंट रहे, छात्र रहे या जो नया पत्रकार है, जो 80s के बाद आया, हम जैसे लोग, हाँ जो आप जैसे लोग, वो जब इस किताब को पढ़ेंगे तो 69 से लेके अभी तक की पॉलिटिकल घटनाएं जो हैं बिहार की और सेंटर की, वो आप देखेंगे पासवान की जीवनी के साथ कंटेम्प्रेरी जो है, हाँ, वो साथ साथ चल रही है, साथ साथ चली। बिहार में कैसे 2 साल में 4 गवर्नमेंट बदली, कौन पार्टी कहाँ गई, कैसे गठबंधन हुआ, सेंटर में कैसे हुआ, इमरजेंसी कैसे आई, बीपी सिंह कैसे आया, मतलब हाँ, सारा उसका तो विस्तार से जिक्र किया है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के दौरान मुझे एक चीज़ जो सबसे समझ में आई, बार बार 84 के दंगों का जिक्र होता है, बार बार कहा जाता है कि जो कि दंगे हुए थे यहाँ पे, हज़ारों लोग मारे गए थे, हज़ारों लोगों के घर जला दिए गए थे, सिखों के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। लेकिन मैंने, हो सकता है कि मेरी समझ कम हो या मैंने कम पढ़ाई की हो, इस वजह से ये है कि उस सिख दंगे में रामविलास पासवान का घर जला दिया जाता है, और इस बात को मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसी भी कोई घटना हो सकती है। नहीं, उस समय सब जानते थे, उस समय जानते थे। मैं जैसे ही जिक्र होता है सिख दंगों का तो होता ना कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, लेकिन रामविलास पासवान के घर पे एक भीड़ आती है सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर को मारने के लिए, और उनका पूरा घर जला दिया जाता है, और रामविलास पासवान अपने छोटे बच्चों पत्नी के साथ पीछे से निकल जाते हैं, वो भी तब जब वो 2 बार सांसद एक बार विधायक रह चुके होते हैं। मैं सर ये समझना चाहता था कि एक तो ये किताब पहली पासवान पे दलित, मुझे लगता है कि जगजीवन राम के बाद अभी की स्थिति में तो इनसे बड़ा कोई दलित नेता था नहीं, मेरा भी मानना है। जगजीवन राम थे, लेकिन जगजीवन राम की चूरी, चूंकि पूरी जो राजनीति है वो पहले इंदिरा गांधी के साथ और फिर इंदिरा गांधी के विरोध के वजह से, सत्ता उन्होंने विरोध की राजनीति नहीं की। पासवान पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, रामविलास पासवान के बारे में आप आर्टिकल पढ़ लेंगे, आप बहुत सारे अखबारों में, लेकिन इस तरह से आपको ये क्यों लगता है कि जैसा आपने जिक्र भी किया, लालू यादव 77 की राजनीति से शुरू होते हैं, नीतीश कुमार 77 की राजनीति से शुरू होते हैं, लालू यादव ने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी, लिखवाई, और बहुत सारी किताबें हैं नीतीश कुमार पे, बहुत सारी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं वो, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। पासवान जो 69 से अपनी राजनीति शुरू करते हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव होने के बाद केंद्र में मंत्री भी बनते हैं, उन पे किताब क्यों नहीं आती है, और उनके बारे में उनके जो संघर्ष हैं उनका जिक्र क्यों नहीं होता है कभी भी किसी अखबार में, किसी मीडिया रिपोर्ट्स में, इस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था? क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये दलित थे या कोई दूसरी वजह आपको समझ में आती है? मुझे जो एक बात आपने कही
तो एकदम सही कही। ये आश्चर्य मुझे भी था जब मैं किताब लिखना शुरू किया तो रेफरेंसेस के लिए मैंने ढूंढना शुरू किया, गूगल में भी गया, किताबों की लिस्ट भी देखी। पासवान के बारे में कोई किताब नहीं था, जैसे मैंने बताया चंद टुकड़े में गूगल में मिले या तो हमको रिकॉर्ड में मिले वेबसाइट पे या कहीं। वो वही कंट्रोवर्सी, यही जो इस पे हम बात करेंगे, उनकी पत्नी की कंट्रोवर्सी। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही मौसम वैज्ञानिक वाला और दूसरी उसकी दूसरी शादी, इस पे हम व्यक्तिगत पे आएंगे। हाँ लेकिन मैं जो जो हाँ तो वो मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैंने भी इसका कारण खोजने की कोशिश की। और देखिए मैंने प्रस्तावना में दिया है कि ये मुझसे चाहते थे कि मैं लिखूं इनके बारे में, कि उनका प्रपोजल था, मैं नहीं इनके पास गया। ये मुझसे पहले जिक्र भी करते थे, मुझे लगता है कि जो हमारे जीवन में घटा है वो मैं लिखूं, खुद लिखूं। मैं भी उनका उत्साहवर्धन करता था, हाँ आपको लिखना चाहिए, अब आप तो इतने साल 50 साल पोलिटिकल या 40 उस समय, मतलब हम तो 10 साल पहले बात करते थे, तो इतने साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपको, पॉलिटिकल आप लिखेंगे तो धमाका होगा, ये होगा वो होगा। तब मुझे नहीं मालूम था वो अंत में मुझे सही कहेंगे। वो बुला के फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ, और वो ऐसा पीरियड था मैंने दिया है कि कैसे मैंने किताब शुरू की, जब उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मैं थोड़ा डर गया, अचानक मुझे बुला के इस तरह बोलना तो मुझे लगा कुछ इल्हाम इनको हो रहा है, कुछ ऐसा उनको लग रहा है जो चाहते हैं कि जो कुछ उनके पास है वो सब बता दें, वो बता दें, मौका मिले ना मिले, तो मैं थोड़ा डर गया था। तो मैं भी कारण खोजता रहा और फिर मुझे लगा कि ये जो जातिगत वाला मामला है ये हम में चाहे अनचाहे में जो है हम इससे गवर्न होते हैं। साहित्य भी गवर्न होता है, पॉलिटिक्स भी गवर्न होता है, समाज भी गवर्न होता है, कितना भी हम लिबरल की बात करें, कितने भी प्रगतिशीलता की बात करें। पासवान के जो 2013 की मैं किताब लिखना शुरू किया मैंने, 2013 तक पासवान के कंटेम्प्रेरी नेताओं में मुझे कोई इस कद का नेता नहीं दिखाई दिया। हाँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किताब लिखा उन पे या वो मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि 69 से जो आदमी राजनीति सक्रिय राजनीति में रहा है, सक्रिय राजनीति, हाँ तो अच्छा नहीं। और नहीं नहीं सक्रिय राजनीति में रहा है ये 50 सालों में, ये कई लोग गए, ऊपर उठे गए, नीचे गए, दाएं गए, बाएं गए, लेकिन पासवान का राजनीति में, सेंट्रल राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा मौजूदगी रही, फैक्टर रहे हैं वो। आप कोई अब कोई उठा के 2009 से 2014 वाला 77 से देख लिए, 2009 नहीं हार गए थे लेकिन फिर भी वो राज्यसभा मेंबर बने, तो फिर 14 में आ गए हैं, फिर मंत्री रहे, मंत्री रहे दो बार। इसके अलावा लोजपा पार्टी भी उनकी 2009 से 12 तक 14 तक ऐसा थोड़ा ना था कि घर में बैठे नहीं, नहीं, नहीं। बहुत से किए, दलित सेना ने बहुत सा काम किया, प्रदर्शन किए, धरना दिए, बिहार में कई जगह जाम लगाया। तो कभी भी ये व्यक्ति 50 साल तक सड़क पर रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, फिर भी इनके लिए इनके पॉलिटिकल सफरनामा पे, इनके संघर्ष पे, अरे दलितों के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया, चुंदूर से लेके कुम्हेर से लेके तलहन से घटना से लेके जो घटनाएं हुई हैं, और जिन पर ये मैं जब हर जगह गए, हरियाणा गए, वही झज्जर गए, बिहार वही वही मैं जब पढ़ना उसको देखना शुरू किया, कुछ तो मेरे सामने बहुत सी घटनाएं हुई थी, कुछ जगह तो मैं भी गया था, कुछ जगह मेरी भी बात उनसे होती थी, गपशप तो मेरा हमेशा लगातार 20 साल से होता था, अंतरंग बातचीत होती थी। तो वो उनके दलित संघर्ष पे ही एक किताब आ सकती थी, मैंने लिखा भी है कि ये एक अलग पूरी किताब हो जाएगी, बिल्कुल उस पे अल्पसंख्यक और दलित पे अगर लिखना शुरू करेंगे, और इनकी जो दलित सेना जो इन सामाजिक न्याय का इनका संघर्ष है, वो एक क्रूसेडर थे सामाजिक न्याय के, जो बहुत कम लोग भाषण देते आपको मिलेंगे, लेकिन जमीन पे जाके 10 संस्था बनाए उन्होंने, दलित सेना, विचार मंच और सांसदों का एक फोरम, 50 फिर विचार शक्ति बुद्धिजीवियों का, दलित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दलित अल्पसंख्यक फोरम जिसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, हम भी 1-2 में गए, हम उसके सलाहकार समिति के 4 लोग सदस्य उसमें मैं भी था। तो हर तरह से मैगजीन निकाला नयाचक,
और इनके बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, इवन जो दलित लेखक थे उनको भी नहीं इंटरेस्ट, जो दलित साहित्य वाले और बड़े बड़े लोग वो मायावती पर लिख रहे हैं, मायावती भी किताबें आ गई हैं, वो उदित राज पे लिख रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान पर लिख रहे नहीं है उनके पास, कांशीराम पे कई किताबें आ गई, मायावती पे कई किताब, कांशीराम का तो मान लीजिए संघर्ष था, ये था क्योंकि हाँ कांशीराम पे पंजाब से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश तक, मतलब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मायावती ने तो कांशीराम की लीगेसी को बनाया, लेकिन ये लोग जो थे सामाजिक न्याय के सही संघर्ष करने वाले थे, तो इनपे कोई किताब मतलब नहीं, तो मुझे वही आप जैसे जो पूछे वो कारण भी मैंने सोचा और मैं एक ही निष्कर्ष पूछा शायद वही कि अब लिखना चाहिए इनके, नहीं दलित मान कि दलित मानसिकता की वजह से नहीं लिखी गई और अब मैं लिखूं, दलित नेता था इसलिए यही, अगर ये ब्राह्मण नेता रहते कास्ट नेता रहते, क्योंकि बिहार में तो बहुत सारे नेताओं पे बहुत सारी किताबें हैं, या कोई अपर कास्ट के पिछड़े में भी अपर कास्ट के नेता रहते यादव कुर्मी ये रहते, तो इनपे किताबें आ गई, तो इनपे अब तक किताबें, क्योंकि मुझे जैसे ही तो मेरे लिए तो ठीक ही था, पहली किताब मैंने ही लिखी, मैं ये सवाल भी कर रहा था और मुझे वो भी याद आ रहा था कि जगजीवन राम का जो पूरा करियर उस समय उफान पे था और किस तरह से उनके फिर उनके बेटे के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस समय अखबारों में छपी थी, क्योंकि हम लोग तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं से चीज़ें पता चली, वो भी मुझे लगता है कि वो दलित वाला ही पूरा मसला था जिसकी वजह से जगजीवन राम को खत्म करने की कोशिश की, वो जो सेक्स स्कैंडल था उनके बेटे का, बिल्कुल, और फिर और भी सब घटनाएं थी, एक दो मैगजीन में पूरी छपी भी थी वो, वो मैगजीन में किसने छापा था ये भी मुझे मालूम है, किस सांसद ने या किस नेता ने मटेरियल दिया था ये भी मुझे मालूम, ये सब फॉलो अप स्टोरी थी, उस समय मैं जर्नलिज्म में आ गया था तो वो सब घटनाएं मुझे याद भी है और मुझे मालूम है किसका खेल था, और जगजीवन राम को बदनाम करने की कोशिश इसीलिए की गई, या जगजीवन राम प्रधानमंत्री को नहीं बने, मतलब उसके बारे में एक तो तर्क यह दिया जाता है कि भाई इमरजेंसी में आप इंदिरा के साथ थे और जब लगा कि अब इमरजेंसी खत्म हो रही है जनता पार्टी बन रही है तो ये क्या बात है, बीपी सिंह कहाँ थे, बीपी सिंह भी थे, उनके तो रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, फिर बीपी सिंह कैसे 2 साल में बन गए, जगजीवन राम दलित थे इसलिए चरण सिंह जब देखे वो नहीं बन रहा तो अपने रेस से हट के मोरारजी को सपोर्ट कर दिया उन्होंने, वो भी एक हिस्टोरिकल मतलब वो घटना है, वो एक फैक्ट्स के है, सब कुछ बहुत से लोग जानते हैं, चीजें बाहर भी आ चुकी हैं, कैसे मोरारजी भाई बने, कैसे मोरारजी भाई बने, कैसे जगजीवन राम इसीलिए कि दलित थे वो, मतलब मेरा मानना है, मैं फैक्ट क्या कह रहे कि मेरा इन्फ्लुएंस या आप इंटरप्रिटेशन कहिएगा, इस मामले में जेपी ने भी मोरारजी का सपोर्ट किया था, मुझे अभी भी आश्चर्य होता है, देश का पहला दलित प्रधानमंत्री होता अगर जगजीवन राम हो जाते तो एक मैसेज जाता, राष्ट्रपति तो हम लोगों ने बना लिए, राष्ट्रपति तो बना लिए अलग बात है, राष्ट्रपति पहले भी बने थे, राष्ट्रपति के लिए भी पासवान का क्या संघर्ष था, बिल्कुल है हम चूंकि इतनी उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है कि अगर हम उस पर बात करें तो आपने पूरी एक किताब लिखी है और हम पूरी एक फिल्म बना के पूरे दिन हम बात कर सकते हैं, चूंकि इनका संघर्ष लंबा रहा है, बहुत सारी अच्छी बातें हमने की अभी पासवान के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता चला, थोड़े उनके व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं जिस पे लगातार आक्षेप लगते रहते हैं, और उससे पहले मैं एक थोड़े से छोटे संक्षेप में समझना चाहूँगा, इस पूरी किताब में दलित सेना का जिक्र बार बार है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमोबेश फैली हुई है, लेकिन क्या वजह रही कि उस दलित सेना का ट्रांसलेट जो है वो उतनी बड़ी पार्टी के रूप में नहीं हो पाया और लोजपा सिर्फ बिहार में और एक आध बार हिमाचल में एक आध सीटें जीत करके आ पाई है शायद, उस दलित सेना का क्या रहा? नहीं, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वोट बैंक एक अलग चीज होती है, बिल्कुल, और समर्थन एक अलग चीज होती है, मैंने इनको देखा है, इनके साथ प्रत्यात्व में घूमा है, आपके बिहार में एक पर्टिकुलर कास्ट है अपर कास्ट जो इनके साथ हमेशा जुड़ी रही, ये उस कास्ट को भी हमेशा बढ़ावा देते रहे, कुछ लोग अभी भी उस कास्ट के पार्टी में, लेकिन वो कास्ट इनको वोट नहीं देती थी, घुमियारों की बात कर रहे हैं, वो कास्ट उनको वोट नहीं देती थी, तो समर्थन थी लेकिन वोट नहीं देती थी, दलित सेना और लोजपा में फर्क है,
लोजपा एक पॉलिटिकल पार्टी और पार्टियों की तरह थे जिसमें आए लोग गए लोग। लोजपा में कोई नेता बना तो उसको नेता बनाने में दलित सेना का हाथ था, लोजपा को खड़ा करने में दलित सेना बिल्कुल है। दलित सेना रामविलास पासवान की उनकी पार्टी की बैकबोन की तरह आज तक है, जिसको मुझे लगता है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने किताब लिखते समय दलित सेना वालों से बात किया तो दलित सेना 1983 में जब इन्होंने खड़े किया तो मैंने एक दो घटना दिया कि मैं हैदराबाद जब उतरा एयरपोर्ट पे देवगड़ा वगड़ा सब प्रधानमंत्री और सारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे उसी हवाई जहाज के हम भी थे तो वहाँ पासवान जी का नारा लगने लगा, पता चला दलित सेना है। चेन्नई गया वहाँ पे भी मुझे दलित सेना के लोग मिले। यहाँ जब दलित सेना का सम्मेलन होता है तो अंडमान निकोबार से भी लोग आ जाते हैं, 2-4-10 भले आंध्रा से केरला से बंगाल से, बंगाल के बहुत हैं, उड़ीसा के बहुत हैं, मतलब पैन इंडिया दलित सेना के आपको कम मिल जाएंगे। लेकिन लोजपा केवल बिहार तक सीमित रही क्योंकि जो वोट परसेंटेज है वोट बैंक है वो कास्ट पे बटा हुआ है। वोट का आप कितना भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ लें वोट जब देने की बारी आएगी तो फिर तो कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती संसोपा ने दिया, लेकिन संसोपा के लिए कभी सरकार नहीं बना पाई बिल्कुल। सामाजिक न्याय का बिगुल जो है देश में या उसको जड़ तक पहुंचाया संसोपा ने, सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी की भी सरकार जो है वो अपने पार्टी के समर्थन से नहीं है, पार्टी समर्थकों के वजह से नहीं है, वो धार्मिक एजेंडा पे है। हाँ, वो तो हिंदुत्व पे, हिंदुत्व पे है। बीजेपी बाबरी मस्जिद गिरा के भी सत्ता में नहीं आ पाई बिहार में, यूपी के विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई, विधानसभा पर मेजॉरिटी मिले मुलायम कांसीराम हो गया उस समय, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। और लेकिन जब ध्रुवीकरण हुआ धर्म के आधार पे तो पूरी मेजॉरिटी में आई, और ध्रुवीकरण का उनके एजेंडा का नहीं वो है। कांग्रेस और जो और रीजनल पार्टियों ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीट लगातार 30-35 साल फॉलो की, राजीव गांधी चाहे वो सपा हो चाहे आरजेडी हो चाहे ये चाहे कांग्रेस हो चाहे तेलुगु देशम हो, उससे जो है नॉन मुस्लिम जो है उनमें एक विदेश तो जो जो हिंदुत्व के समर्थक नहीं थे वो भी पोलराइज हो गए थे। ये हमको 13-14 में अंदाजा लग गया था जब हमारे भाई बंधु जिनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं था, मैंने कांग्रेस दफ्तर में बोला भी था, इमरान साहब भी थे और कई लोग पत्रकार भी थे कि हिंदू यूनाइट हो रहा है, हिंदू सेंटीमेंट यूनाइट हो रहा है, हिंदू नहीं हिंदू सेंटीमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो उस समय कई लोग फूफा करके पत्रकार उड़ा दिए, लेकिन बीएसपी का एक एमपी भी मुझे सेंट्रल हॉल में बताया था कि साहब हमारे यहाँ भी अब ये हो रहा है कि नीचे मायावती जी और ऊपर, तो वो हिंदू पोलराइज हुआ। इसलिए पार्टी का वोट चुनाव जीतना और समर्थन दोनों अलग चीज़ें हैं। इनकी दो कंट्रोवर्सी व्यक्तिगत जीवन की, एक जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो मौसम वैज्ञानिक वाली हुई है कि भाई वो पार्टी जिसके साथ गई उसके साथ ये भी गए तो उसमें पार्टी का बात थी। इनकी शादी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, चूँकि आपकी व्यक्तिगत बातचीत है, रीना पासवान कहिए उनको, अविनाश कौर कहिए उनको, वो जो कंट्रोवर्सी है जिसको बार बार हवा देने की कोशिश एक वर्ग करता है, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासवान के साथ ही है, इस तरह के व्यक्तिगत जीवन में उठापटक तो बहुत सारे नेताओं के साथ रही है जिनका नाम आप बेहतर बता सकते हैं, मुझे भी कुछ लोगों के नाम पता है, क्यों बार बार इसको उभारा जाता है? क्या आपने जैसा लिखा कि रीना पासवान से जब इनकी शादी होती है, अविनाश कौर रीना पासवान बन जाती हैं, शादी होती है, माँ बाबा जी खुश नहीं होते हैं लेकिन बाद में फिर मान जाते हैं सुंदर बहू देख करके और फिर ये शहर बनी जाती हैं अपना लेती हैं। इनकी जो पहली पत्नी है वो गांव में रहती है, उनसे तलाक वाली जिक्र कभी होता नहीं है, लेकिन जब पासवान कहीं दिखते हैं आगे बढ़ते हुए तो उनकी जो पुरानी पत्नी है, उनकी जो पहली पत्नी है और उनकी जो बेटी है, वो कई बार धरने प्रदर्शन करते हुए और बहुत सारी चीज़ें करते हुए पिछले चुनाव तक नजर आती नहीं, पत्नी नहीं आई कभी, पत्नी उनकी, नहीं उनकी बेटी नहीं, बेटी भी आई, उसका रीज़न है वो आप बिहार के हैं आपको अच्छी तरह मालूम है, जो उसका हस्बैंड है साधु
जिसको कई बार टिकट दे चुके थे, वो जहाँ से टिकट चाहता था वो उस वहाँ से टिकट नहीं क्यों, क्योंकि अलायंस था, उससे वो नाराज हो गया। तो वो एक तरह से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, साधु को मैंने फोन भी किया था, उनसे बात भी मेरी हुई थी कि आप पासवान के खिलाफ बोल रहे हैं भाई, क्योंकि मैं देखता था कोठी पे साधु या उनके बड़े दामाद जो मृणाल, आज भी मृणाल उसी माँ की बेटी है ना, बड़ी बेटी मृणाल तो भी तो उसी पहली पत्नी के दामाद हैं, मृणाल अभी भी आते हैं। और साधु और मृणाल का रीना जी, रीना पासवान जी बहुत अच्छा स्वागत करती थी, बल्कि एक अलग कमरे में उनका कमरा भी बनवा दिया गया था जिसमें लोग टिकते थे। लेकिन साधु टिकट पॉलिटिकल के वजह से, भाई आज तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है पॉलिटिकल पाव के वजह से, तो वो साधु जो हैं वो उससे नाराज होकर बयान दिए, उसके बाद अपनी पत्नी का इस्तेमाल करने लगे। तो मीडिया को तो मसाला चाहिए, मसाला चाहिए, और इसीलिए किया भी उसने। नहीं तो बेटी, मुझे याद है उनकी बेटी का, मैं पटना में था उस समय, कौन सा इलेक्शन है मुझे याद है, बेटी की 25वीं सालगिरह थी और दोनों मियां बीवी, मीना जी भी पासवान जी भी, इन लोग एक डोली में सूट का कपड़ा साड़ी का कपड़ा लेके पूरा गए थे पार्टी में, उनकी पार्टी में अटेंड करने। छोटी बेटी कई बार यहाँ आ चुकी थी, मेरे सामने की बात था फंक्शंस में, लेकिन वो चुनाव के दौरान, वो इधर आप देख रहे हैं 10 साल से, वो 10 साल पहले, 5-10 साल पहले जो वो टिकट का मामला हुआ, वो कौन सा पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र था जहाँ से टिकट चाहता था लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि अलायंस का मामला था, उन्होंने मृणाल को भी टिकट दिया जो मृणाल हालते रहे हैं, साधु को भी टिकट दिया, अगर ऐसा रहता तो कैसे वो होता। मैंने कंप्लीट मैन में यही तो लिखा है कि जिस तरह परिवार को जुड़े रहें ये, और साथ में पॉलिटिक्स में भी अपना काम करते रहें, वो आसान नहीं है। वही जो आपने लिखा है एक कंप्लीट मैन, जो पत्नी का मैं आपको बता दूं, देखिए आप जब गांव में आप रहे कि नहीं मैं नहीं जानता, बिल्कुल मैं रहा हूं, बिल्कुल मैं रहा हूं, हां गांव का, मैं भी छुट्टी में गांव ही जाता हूं, हां मैं गांव, मैं भी गांव का हूं। जब आप बाहर पढ़ते होते, आपके बचपन में शादी किसी ऐसे लड़की से कर दी जाती है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, या जैसे बाल विवाह, हाँ वो तो इनका बाल विवाह हुआ था। लेकिन जब आप पटना जाते हैं, दिल्ली आते हैं, बिहार जाते हैं, आप तो पढ़ते आपका, हैं आपका एक्सपोजर और आपका सोचने का तरीका, दायरा, सोचने का तरीका बदलता रहता है, आपके पार्टनर को भी देखने का नजरिया बदलना, बिल्कुल फिर इस सब रहते हुए भी जिनके शहर के हैं जिनका बाल विवाह नहीं है उनके भी 50 के हिसाब देखे हैं कि दूसरी शादी नहीं की है तो दूसरी पत्नी रख ली है बिना शादी किए, हाँ, वही 500 पॉलिटिकल केस हैं, आईएएस केस हैं, पत्रकारों बड़े बड़े नेताओं के केस हैं, नाम क्या ही लेना है, हाँ बड़े बड़े पत्रकारों में भी हैं इन्होंने, तो बल्कि एक चीज अच्छा किया कि इन्होंने तलाक लिया है उसके बाद शादी की है। अरे पॉलिटिकल आदमी तो उनको मालूम था तलाक लिए बजाएंगे तो फंस जाएंगे, हाँ। फंस जाएंगे, तलाक लिया है, उनकी मंजूरी से तलाक लिया है, उसमें पासवान जी ने भी मदद की है इनको, और विधवा इन्होंने शादी की, और बहू को फिर इनके पिताजी ने में, इनकी माँ ने भी एक्सेप्ट किया, पिताजी आके यहाँ रहते थे माँ से उन्होंने सेवा की है, इन्होंने भी, हाँ मैंने लिखा है बिल्कुल बिल्कुल, और रीना जी ने भी जो है पूरे घर को उसी तरह अपनाया, पारस जी को, रामचंद्र जी को, अपनी मतलब इनकी पहली पत्नी की दोनों लड़कियों को, दामाद को उन्होंने उसी तरह अपनाया। इस मामले में मैं इनका भी तो इनकी भी तारीफ करूंगा कि ये मैंने बहुत कम देखा है ऐसा, और किसी का भी फंक्शन होता था चाहे रामचंद्र जी के बेटों का हो, बेटी का हो, या पारस जी का बच्चों का, इनके घर पर होता था और पूरा परिवार गेट टुगेदर करता था। इनकी बेटियां भी कई बार फंक्शन में शामिल हुई हैं, दोनों बेटियां, और जो बेटी जो रीना पासवान जी से है वो भी, तो ये पूरा परिवार को लेके चले। ये अजब तेजी है कि अब जो हो रहा है वो, इसी बात पे मैं आना चाहता था और यहीं से बातचीत, चूँकि हम लोगों की बहुत लंबी हो रही है, बहुत लंबी हो भी गई, क्या हो रहा है? आपने किताब में बात की है पशुपति पारस से, चिराग पासवान से, रीना पासवान से, सबकी बातचीत का आपने जिक्र किया है,
आपने उसका भी जिक्र किया है कि कैसे रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को अध्यक्ष बनाया था पार्टी का, पशुपति पारस ने सपोर्ट भी किया था। पिछले दिनों पशुपति पारस बयान दे रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती बन गए थे, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि रीना पासवान या रामविलास पासवान कैसे ले करके चले, जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर एक हॉस्टल में रहते हैं, दलित कल्याण छात्रावास में रहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वो पशुपति पारस को भी लेके आते हैं, अपने साथ रखते हैं, विधायक आवास में रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। रामचंद्र पासवान तो खैर बहुत छोटे थे इनसे उम्र में, चले गए वो भी, अपनी सीट छोड़ देते हैं रामचंद्र पासवान के लिए हाजीपुर, खुद लोग पारस जी के लिए और खुद चले आते हैं राज्यसभा। फिर अभी जो चल रहा है, अभी इस, चूंकि आप इस परिवार से जुड़े भी रहे हैं, आपके मित्र भी रहे हैं, अभी जो चल रहा है पूरी राजनीतिक परिदृश्य में, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और ये आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ है ये, एक कंप्लीट मैन कहाँ फेल कर गया इसमें? नहीं, कंप्लीट मैन के जीते जी नहीं हुआ, वो तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। कंप्लीट मैन जाने के, कंप्लीट मैन ने कंप्लीट बंटवारा भी किया, कंप्लीट तरीके से उन्होंने मतलब एक सही नज़रिए से चीज़ों को भांप भी लिया था, निजी बातचीत में भी उन्होंने मुझसे बोला था। ये जो है देखिए, ये पॉलिटिकल या सत्ता जहाँ होती है वहाँ पे ये सब चीज़ होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अखिलेश की यहाँ भी हुआ, कई हुआ, एनडीए रामाराव के परिवार में हुआ, वो तो फिर स्टालिन की यहाँ भी हुआ, सबके यहाँ हुआ, सबके होने से तो ये पॉलिटिकल पावर का संघर्ष है। मुकेश अंबानी की यहाँ हुआ, अनिल अंबानी, वो तो जहाँ सत्ता पावर पैसा रहता है वहाँ ये सब परिवार में विभाजन होता है, बयानबाजी भी होती है, नहीं होना चाहिए। वो भी इनका परिवार जितना संयुक्त था, देखिए पारस जी भी चिराग को बहुत मानते थे, बच्चों को बहुत मानते थे ये, और चिराग को भी मैंने हमेशा इन लोगों को आदर करते देखा, मेरे आँख के सामने की बात है, मेरे सामने की बात है, आदर करते देखा और पूरा रिस्पेक्ट, पैर छूते रिस्पेक्ट करते हुए देखा। अब वो राजनीतिक आकांक्षा किसकी क्या प्रबल हुई, कैसे क्या हुआ, कि जो कुछ है सबके सामने है, आपके सामने भी बिल्कुल है, सामने तो देख ही रहा है कि मुझे लगता है ये गलत हुआ है, जज्री है, ये गलती जिसकी भी हो, लेकिन एक बार पारस जी को भी चाहिए था कि चिराग से बात कर लेते हैं, फाइनल बात कर लेते, उसके बाद ही करते न से चिराग। उसके बाद जब इनका डिसीजन आया, खबरें आई, चिराग इनके घर गया, एक घंटा खड़ा रहा दरवाजे पे, तो उस समय बात कर लेते, जो भी होता कह देते हैं, शर्तें रख देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो हम करेंगे, ऐसा नहीं करोगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो अभी परसों आया है, मुझे आश्चर्य है, मतलब कि क्योंकि मैंने अपनी किताब में एकदम दिया है, बातचीत करके दिया है, पासवान जी ने मुझे बताया कि उन्होंने वो क्यों अध्यक्ष पद सौंपे चिराग को, और चिराग को क्यों विरासत में दिए, वो मैंने बातचीत करके उनसे, उनका वर्जन मैंने बताया, अपने मन से इंटरप्रिटेशन नहीं है मेरा। और जब अध्यक्ष बनाया तो उस मीटिंग में पारस जी भी मौजूद थे, मुझे जहां तक ख्याल है पारस जी ने प्रपोज किया था, सेकंड किया था, मतलब कुछ ऐसा था, यही होता भी रहा है, वो तो हमेशा से हर जगह तो, यही तो होता है। तो फिर उस समय अगर आपके दिमाग में था कि भैया के मन के खिलाफ है, मतलब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं पारस जी की बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है ये कि पारस जी ने उस समय क्यों नहीं, जब उनको पता चल गया, मतलब ये नहीं कि अपने अंदर था कि ये अध्यक्ष बन रहा है, जब उनको ये पता चल गया कि भैया नहीं चाहते हैं, रामविलास जी नहीं चाहते हैं, तो उस समय उनको विरोध करना चाहिए था या बयान देना चाहिए था। आज बयान देने से क्या मतलब है, कुलाना गड़ा मुर्दा उखाने से क्या मतलब है? सही बात, ये चीज़ें और मनस लाएंगी भाई। कभी कभी आपका झगड़ा हो जाता, हमारा आपका झगड़ा हो जाता, लेकिन इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी एक दूसरे से नफरत करें। वो क्या होता है वो तो चाहे चिराग करें, चाहे हम करें, चाहे पारस जी करें, चाहे प्रिंस करें, तो सब पूरा खेमा ही एक तरफ प्रिंस, है। प्रिंस और चिराग के बीच कितना सामित्व बना, वो था, कनेक्शन था, प्रेम था, ये भी मैंने देखा है। और बड़ी यूनाइटेड फैमिली थी भाई, मैं तो उदाहरण देता था, मैं तो कई घर में संयुक्त परिवार का, कई लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों में
इसका जिक्र करता था कि भाई कितनी यूनाइटेड फैमिली है। और उस लेवल पे पहुंचने के बाद वहां पहुंचने के बाद, और इस मामले में रामविलास पासवान जी को बड़ा भाई क्या होना चाहिए ये मैंने देखा, और उनकी पत्नी रीना पासवान को भी बड़े भाई की पत्नी का क्या कर्तव्य होता है ये भी मैंने देखा, जबकि वो एक न्यूक्लियर फैमिली से है। मैं आपको एकदम न्यूट्रल वे में कह रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कि मैंने पासवान से मेरी दोस्ती है, किताब एज ए मतलब ऑब्जर्वर के रूप में मैं कह रहा हूँ कि ये इस घटना के बाद कभी बातचीत हुई आपकी, ये जो अभी जो चल रहा है इसमें कभी पशुपति पारस से या चिराग पासवान से? पारस से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मतलब ये अजीब इत्तेफाक रहा, चिराग से तो मेरी बातचीत हुई है, लेकिन चिराग से मेरी बातचीत हुई है क्योंकि ये किताब पब्लिश हो चुकी थी, तो अब उसमें चिराग ने वही जो अभी कुछ दिन पहले जो है इसको भाभी जी से वो कराया, लोकार्पण कराया था 5 जुलाई को, उसी के बाद तो हम लोग यहाँ पे फिर आई। हाँ, किताब तो अक्टूबर में आ गई थी तो उन्होंने फिर रुकवा दिया, लेकिन आ नहीं पाई थी। वही मैं देख रहा था कि 2020 में लिखी गई है लेकिन अभी आई है। नहीं, ये 2020 में नहीं, ये नवंबर 2019 में, नहीं फरवरी में जा चुकी थी प्रेस में, जनवरी फरवरी, ये जुलाई 5 जुलाई को 20 को निकलने वाली थी लेकिन पासवान जी ने रुकवा दिया। वही वो कोरोना के वजह से कोरोना लॉकडाउन और बाकी लॉकडाउन के वजह से 1 साल किताब ये बाहर आने में लेट हो गई। ये किताब रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष, एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने जीवन के 51 साल सक्रिय राजनीति में दिए हैं, और उन 51 सालों का लेखा जोखा इस 300-350 पन्ने की किताब में है, जिसको आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझेंगे कि जब कांग्रेस कमज़ोर होना शुरू हुई और संसोपा जैसी पार्टियों का उठना शुरू हुआ, उसके बाद से कैसे भारत की राजनीति बदली है। उनकी बहुत सारी बातें आपको रामविलास पासवान की राजनीतिक जीवन की यात्रा के साथ साथ चलती हुई नज़र आएंगी। तो ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको न सिर्फ रामविलास पासवान का संघर्ष, न सिर्फ एक शहर बन्नी जैसे छोटे गाँव के एक युवा का संघर्ष समझ में आएगा, बल्कि आपको उस दौरान पूरे भारत की राजनीति का जो एक चित्रण है वो भी देखने समझने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। आप इसे ऐसे ना समझिएगा कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, चूँकि राजनीति मेरी दिलचस्पी है। पासवान पे पहली तरह की अपनी तरह की किताब आई है, इसलिए मैंने पढ़ी, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पढ़िए।